यूपी विधानसभा चुनाव में सवर्ण प्लस, गैर जाटव अनुसूचित जाति प्लस, गैर यादव ओबीसी वोट अगर योगी आदित्यनाथ को मिल जाए तो उनका चेहरा कमल की तरह खिल उठेगा। जाटव प्लस, मुस्लिम प्लस, थोड़ा ब्राह्मण प्लस, थोड़ा गैर यादव ओबीसी वोट मायावती को मिल जाए तो हाथी धूल उड़ाता चलेगा। यादव प्लस, मुस्लिम प्लस, जाट प्लस, गैर जाटव दलित वोट अगर अखिलेश यादव को मिल जाए तो साइकिल सरपट सरपट दौड़ने लगेगी। तो क्या यूपी में जातियों के गुणा भाग पर आकर ही चुनाव टिक जाता है? आइए जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही से। '17 में 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाए हैं, वैसे ही 2022 में भी 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का 22 में सफाया करेंगे। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव यूं तो 7-8 महीने दूर है, लेकिन जातिगत समीकरण बनाने बिगाड़ने का खेल अभी से शुरू हो चुका है। 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में कुल करीब 14 करोड़ वोटरों में से 8.5 करोड़ ने वोट डाला था। बीजेपी को करीब 3.5 करोड़ वोट मिले थे, मायावती को 1.92 करोड़, अखिलेश यादव को 1.90 करोड़ और कांग्रेस को करीब 55 लाख वोट हासिल हुए थे। तब 2011 की जनसंख्या के हिसाब से अनुमान लगाया गया था कि यूपी में 4 करोड़ मुस्लिम, 4.25 से 4.5 करोड़ अनुसूचित जाति, 7.5 करोड़ के लगभग ओबीसी और 4.5 करोड़ सवर्ण वोटर हैं। अब जिसे भी सरकार बनानी है इसी वोट बैंक से ही बनानी है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि वहाँ 20-20-20 और 40 का फार्मूला चलता है, यानी 20% सवर्ण, 20% दलित, 20% मुसलमान और बाकी 40% ओबीसी और अन्य जातियाँ। सभी राजनीतिक पार्टियाँ इसी में अपना हिस्सा तलाशने की कोशिश करती हैं और दूसरे के हिस्से में सेंध लगाने की कोशिश भी करती हैं। यानी मुद्दे हाशिए पर छोड़ दिए जाते हैं, जाति या धर्म का सहारा लिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस आधार पर वोटरों की गिनती कायदे से तो गणित के तहत आनी चाहिए, लेकिन सियासी सिलेबस में इसे केमिस्ट्री कहा जाता है। इस केमिस्ट्री का केमिकल लोचा इन दिनों योगी, मायावती, अखिलेश और प्रियंका गांधी से लेकर ओबीसी को परेशान कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की, जो 5 साल से सत्ता में है। चाहे 2014 या 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी जातियों के सहारे बीजेपी चुनाव जीतती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी थोड़ा चिंतित नजर आती है। बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में 45% वोट मिले थे, इस बार अगर 35% मिला तो भी वो जानकारों के अनुसार सरकार बना लेगी। लेकिन इस बार चिंता यही है कि बीजेपी उन दलितों और गैर यादव ओबीसी की उम्मीदों पर उतनी खरी नहीं उतरी जिस उम्मीद से उसे वोट दिया गया था। उस पर ब्राह्मण अलग से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को नए सिरे से सोशल इंजीनियरिंग करने की जरूरत है। जानकारों का कहना है कि जाति को धर्म तोड़ता है, लिहाजा हिंदुत्व ही बीजेपी का भला कर सकता है। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। धर्मांतरण यानी लव जिहाद के मामले में आई तेजी इसका सबूत है। यहां एक नया सर्वे बीजेपी के लिए राहत लेकर आया है। ये सर्वे बताता है कि 65% हिंदू मानते हैं कि भारतीय होने के लिए हिंदू होना और हिंदी बोलना जरूरी है। ऐसे में 65% हिंदुओं में से 60% बीजेपी को वोट देते आए हैं। सर्वे ये भी बताता है कि 75% हिंदू दूसरे धर्म में अपनी बेटी की शादी करने के पक्ष में नहीं है। योगी जी को इसका फायदा मिल सकता है क्योंकि इस पूरे इलेक्शन के दौरान या पिछला जो चुनाव हुआ था और इससे पहले के चुनाव देखें तो सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी जब पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने पूरे पॉलिटिक्स का यू टर्न किया।
पहले मेजॉरिटी पॉलिटिक्स नहीं होती थी, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स होती थी। नरेंद्र मोदी ने मेजॉरिटी पॉलिटिक्स को टर्न किया, तो मेजॉरिटी पॉलिटिक्स के लिए ये इशू बहुत अच्छा है, बड़ा मुफीद है। और योगी जी चूंकि भगवा पहनते हैं, चूंकि वो एक मठ से आते हैं, तो वो उसको आसानी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सिम्बोलिज्म में वो आसानी से आ जाता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों की हालत बंगाल की ममता बनर्जी जैसी होती जा रही है। ममता को खुद को हिंदू साबित करना पड़ा था, चुनावी रैलियों में चंडी पाठ करना पड़ा था। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो मायावती हो, अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी, खुद को ये हिंदुओं के साथ खड़ा होने के तरफ जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग हिंदुओं के पाले में खड़े हैं। यूपी की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती ने ओबीसी को हाथी की सवारी नहीं करने दी। पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती ने 100 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार मायावती को फिर से हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का नारा याद आ गया है। बहुजन के साथ साथ सर्वजन से केमिस्ट्री बिठाने में लगी हैं। जानकारों के अनुसार मायावती समझ रही हैं कि अपने 20% बेस वोट में इजाफा ही सत्ता के करीब ला सकता है। उनकी नजरें फिर से बीजेपी से खफा ब्राह्मण वोटरों पर हैं। जिस तरह जातीय पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह कास्ट पॉलिटिक्स को इन लोगों ने सेंट्रलाइज किया, फोकस किया है, उस तरह अगर ये एक हो जाएंगे तो इनका एजेंडा डिफ्यूज हो जाएगा। हालांकि इनकी सरकार बन सकती है, लेकिन एजेंडा डिफ्यूज हो जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टी के सामने क्राइसिस ये है कि वो अपने डिफ्यूज एजेंडे को प्रायोरिटी देती है या सरकार बनाने को प्रायोरिटी देती है। वो जानती है कि कल को अगर मिलकर सरकार बनाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो जो कॉन्फ्लिक्ट एक साल की सरकार चलेगी उससे बेहतर है कम से कम एजेंडा तो उनका अपना 5 साल तक चलेगा, अपना एजेंडा बना रहेगा। तो उनकी प्रायोरिटी में आज की तारीख में एजेंडा है, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा। अखिलेश यादव भी ओबीसी को साइकिल की सवारी नहीं करने दे रहे हैं। वो कृषि कानूनों के मसले पर सरकार से नाराज चल रहे किसानों से पश्चिमी यूपी में हाथ मिला रहे हैं। हाल का पंचायत चुनाव अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी के साथ मिलकर लड़ा था। अपना दल के एक धड़े के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर और आम आदमी पार्टी से भी चर्चा चल रही है। जानकारों का कहना है कि बंगाल की तरह यूपी का 20% मुस्लिम अगर ये तय कर ले कि उसे सपा के साथ रहना है तो अखिलेश सत्ता के मजबूत दावेदार साबित हो सकते हैं। दिखावा है, मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। और इस चुनाव में मुसलमान डिप्टी सीएम और सीएम से कम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। हम अपना हक लेंगे, हमें जो हमारी मांग है वो हम लेंगे। हम डिप्टी सीएम भी पूरे हिंदुस्तान में अब लेंगे और मौका लगा तो जहां जहां हम जीतेंगे वहां सीएम भी हमारा बनेगा। उधर प्रियंका गांधी के सक्रिय होने से यूपी में कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता तो उत्साहित हुआ है, लेकिन ऐसा उत्साह वोटर भी दिखाएंगे इस पर अभी कुछ भी कहना कठिन है। प्रियंका गांधी ने हिंदी में सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया है। एक वक्त था जब क्या पिछड़े, क्या दलित, क्या मुस्लिम और क्या सवर्ण सभी कांग्रेस को वोट किया करते थे। अब हालात बदले हैं और कांग्रेस भी बीजेपी एसपी की तरह छोटे दलों पर डोरे डालने लगी है। अपना दल ने पिछली बार 11 सीटों पर लड़कर 9 पर जीत हासिल की थी। वोट मिले थे 8.5 लाख। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 8 पर लड़ी, 4 जीती और वोट मिले 6 लाख। निषाद पार्टी सीट तो एक ही जीती लेकिन 5.5 लाख वोट मिले। इसी तरह अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल भी सिर्फ एक सीट जीती लेकिन उसे वोट मिले 15 लाख। जहां तक ओबीसी की बात है तो 38 पर लड़े, 37 में जमानत जब्त करवाई और वोट भी मिले सिर्फ 2 लाख। जानकारों का कहना है कि छोटे दल दोहरी मार करने की क्षमता रखते हैं, अपने अपने सीमित इलाकों में सीटें भी दिलवा सकते हैं और विपक्षों की सीट हरवा भी सकते हैं। कुल मिलाकर किसी को जाति का सहारा है तो कोई धर्म की शरण में है, तो कोई जाति और धर्म की जुगलबंदी के फेर में है। मजे की बात है कि जोड़ तोड़ की इस अवसरवादी राजनीति को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।